और आई महंगाई के जमाना, बलमा तनी जम के कमाना। आई महंगाई के जमाना, बलमा तनी जम के कमाना। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपको फैमिली ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आशा है कि बहुत अच्छे होंगे। आज के ब्लॉग में नए लोकेशन पे हैं और मैं आई हूँ दीदी के पास। मतलब जो दोनों बहनें गाने गाती हैं, आप लोगों ने देखा होगा, मतलब खूब वायरल है आजकल। मतलब उनके गाने बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, मैं देखती हूँ। क्योंकि मेरा जब मेरा लाइव होता था या मेरा चैनल आता, वो जरूर कमेंट करती थी। उनका कमेंट भी है मेरे पास, ये बात नहीं है। तो चलिए मैं उनको पहले उनसे मिलाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को इनसे मिलाती हूँ। और अब चलिए अपना, मतलब आप लोगों का मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। थैंक यू। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं, उनको मेरा सादर प्रणाम, वंदना दुबे जी का। और हमारी सिस्टर आई हैं मिलने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद इनको। और बहुत अच्छा लगा मिलके। और इनका चैनल है अक्कू फैमिली ब्लॉग है मेरा। अक्कू अक्कू फैमिली ब्लॉग, अक्कू फैमिली ब्लॉग जी। क्योंकि ज्यादातर लोग अक्कू की रसोई के जानते हैं, अक्कू फैमिली ब्लॉग से नहीं जानते हैं, इसीलिए। तो बहुत ही प्यारा इनका ब्लॉग होता है, तो आप लोग सपोर्ट करो, प्यार दो। हमारी दीदी का बहुत अच्छा मेहनत करती हैं। कितना लोग मेहनत करते हैं आगे जाने के लिए, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी दीदी का सपोर्ट करो। और बहुत ही प्यारी दीदी हैं और बहुत ही अच्छा लगा मिल के। तो अब हम दीदी से ना थोड़ा सा एक इंटरव्यू लेंगे, हल्का सा, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे, थोड़ा बड़ा लेंगे। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि अच्छा, आप दोनों एक ही मतलब सगी बहने हो कि मतलब देवरानी जेठानी कौन है, से पहले ये बताइए मेरे को। हम लोग सगी बहन, मैं बड़ी हूँ, ये मेरी छोटी सिस्टर है। अच्छा, सिस्टर है छोटी। जी जी। तो एक ही घर में कैसे आ गई? एक ही घर में नहीं है, हमारा दूर पे है, दूर ससुराल है। अच्छा, आपका दूर ससुराल? तिवारी है, ये दूबे हैं। अच्छा अच्छा, दूर है मतलब। कोई बात नहीं, खून के रिश्ते से बड़ा मतलब दोस्ती का रिश्ता, दिल का रिश्ता होता है जो सबसे बड़ा होता है। कोई बात नहीं, उसे चल। अच्छा, का भी रिश्ता है और दिल का भी रिश्ता है। हाँ, दोनों रिश्ता है वो। नहीं, वो बात तो सही, खून का सबसे बड़ा, देखिए खून का रिश्ता भी धोखा दे देता है। नमस्ते। हाँ, जो दिल का रिश्ता होता है वो उसका दिल थोड़ा कहता है कि कैसे इस बंदे को धोखा दे। जी, जी, तो बात ये है। अच्छा, आप बताइए, आप लोग पढ़ाई कहाँ तक किए दोनों जने? मेरा इंटर हुआ है, मेरा हाई स्कूल। अच्छा, आपका इंटर, इनका हाई स्कूल है। आपकी फैमिली बताइए कौन कौन है इस टाइम हमारे फैमिली में? जी, तो हमारे हम दो देवरानी जेठानी हैं, मेरे एक जेठ हैं। अच्छा, मैं छोटी हूँ, सब वो बड़ी हैं। और मेरे ससुर हैं, सगी सास नहीं है, दादी सास हैं। अच्छा, और आप बताइए? दो बच्चे हैं हमारे। अच्छा, बच्चे। आप बताइए, आपके ससुराल में कौन कौन है? हमारे ससुराल में मैं चार देवरानी जेठानी हूँ और सास ससुर हैं और दो जेठ हैं और एक देवर है। अच्छा अच्छा, बताइए आप लोगों को सपोर्ट किसने किया, सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया घर में? देखो, घर में अपने अपने हस्बैंड का और परिवार का सपोर्ट है। हमारे तो पूरे परिवार का सपोर्ट है। अच्छा, हस्बैंड का भी है और सास ससुर सबका सपोर्ट है, सबका फुल सपोर्ट है। सबसे बढ़िया, सबसे मेन होता है हस्बैंड का सपोर्ट। जी हाँ, उनका अगर अगर हस्बैंड ने साथ दे दिया ना, तो पूरी दुनिया से इंसान लड़ जाता है। अगर वही हस्बैंड साथ नहीं दिया ना, तो पूरी दुनिया चाहे कितना भी कोशिश कर ले, पर वो कभी आगे नहीं निकल पाती, चाहे कोई भी कितना करे। नहीं, सबका सपोर्ट है, हस्बैंड का भी है और घर वाले का। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सबसे बढ़िया, हस्बैंड का हर किसी से सपोर्ट होता है। आज मेरे पास है, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है कि जो मैं यहाँ तक आज मैं भी आई हूँ, पहुँची उन्हीं की बदौलत हूँ। तो अच्छा, बताइए आप लोग मतलब हमेशा साथ में ही गाना गाते हैं? जी जी। कब से गाना गाते हैं आप? जी, हमें तो 5 महीने हो गए। आपको 5 महीने हुआ है? और आपको? हमारा तो यही 3 महीना हुआ है। अच्छा, आपको 3 महीना हुआ है? तो पहले अलग अलग गाते थे आप लोग? नहीं, हमारे चैनल पे। अच्छा, आपके चैनल, आपका चैनल अलग है? हाँ। हमारी दीदी चालू की है, वो भी। अच्छा, मैं इनके नाम से बनाई हूँ, हमारे नाम से बनाई है, हैंडल मेरा भाई करता है, तीनों चैनल। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है। तो देखिए दोस्तों, थोड़ी सी जानकारी मैंने भी इनसे ले ली है। ज्यादा कुछ नहीं लिया, बस थोड़ा सा लिया। अच्छा, ये बताइए आप लोग, मतलब आपको जो गाना फेमस हुआ है वो कौन सा था? हाँ, आपने जो गाना गाया था, वायरल हुआ है वो, इसको गाइए थोड़ा सा मेरे ब्लॉग में। महंगाई वाला? हाँ, महंगाई वाला ही था ना। आई महंगाई के जमाना, बलमा तनी जम के कमाना। आई महंगाई के जमाना, बलमा तनी जम के कमाना। सास तना मरी है, ससुर तना मरी है, सास तना मरी
ससुर ताना मरी नैहर में नाही ठेकाना बलमत नी जम के कमाना नैहर में नाही ठेकाना बलमत नी जम के कमाना आई महंगाई के जमाना बलमत नी जम के कमाना। ये गाना बहुत तेजी से वायरल हुआ। गाना मैंने देखा था जो आपने मतलब डाला था उस पे वीडियो पे, तो मैंने गाना मैंने देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने कहा कब मिलूंगी इनसे, सच्ची बताओ ना, जैसे कि किसी ने सुन ली पुकार उसी तरीका से मैं। अच्छा, आप लोग जब गाना वगैरह गाते हैं गाँव वाले मतलब कुछ बोलते नहीं है? जैसे बहुत लोग होते हैं टिप्पणी उठाते हैं ना, उठाते हैं। तो देखो अभी हमारे सामने तो अभी तो कोई नहीं है, अभी हमें कोई कुछ सुनाई नहीं दिया है अभी तक, आगे देखा जाएगा। अभी हम किसी का डर भी नहीं है। सुनिए, देखिए हमें डर के नहीं चलना है। देखिए आप लोग भी लेडीज हैं, मैं भी लेडीज हूँ। अगर हम लेडीज से अगर डर के चलेंगी ना तो कुछ नहीं हो सकता है। फिर घर में हम चूल्हा चौका ही बच्चे संभालते ही रह जाएंगे और आगे हम कभी नहीं बढ़ सकते हैं। तो मतलब हम लोगों का ये है कि हम लेडीजों का अगर हम लोग एक तरह एक साथ एक सपोर्ट से खड़े हों तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं। खाली हम लोगों को खाली फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए बस, और किसी चीज का नहीं। हमें गाँव देश से नहीं मतलब, गाँव देश से कोई मतलब नहीं होता दोस्तों। गलत कमेंट करता है कोई, सही जिसको जी, जैसे जी, समझ में आता है वैसे करते हैं, तो हमें उस पे ध्यान नहीं देना है, अपने अपने काम पे ध्यान देना है। कहते नहीं है हाथी चली कुत्ते, कहते हैं डायलॉग है कुत्ते भूखते रहते जी जी। बस वही हम लोगों के साथ यही होता है फैमिली कि गांव में मतलब कहते हैं उनकी बहू ये कर रही है वो कर रही है कैसे कर रही है, पर हम लोगों डिपेंड करता है हम अच्छा मतलब यूट्यूब पे अच्छा काम करेंगे तो गाँव वाले भी तारीफ करेंगे। तो सबसे बड़ी मतलब होता है कि उस कामयाबी तक पहुँच जाएंगे तो लोग खुद झुक जाएंगे। जी 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 बस बस। तो दोस्तों हमारी वीडियो इनके संग इतनी है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है।